लौट कर आ रही है वूट की हिट वेब सीरीज इट्स नॉट दैट सिंपल सीजन 2 के साथ। मुंबई में हुई इट्स नॉट दैट सिंपल सीजन 2 की ग्रैंड स्क्रीनिंग, जहां पहुंची इस वेब सीरीज की पूरी स्टार कास्ट। विवान भटेना, सुमित व्यास, स्वरा भास्कर, करणवीर मेहरा, पूरब कोहली के अलावा और भी कई स्टार्स ने इस इवेंट में अपनी प्रेजेंस से लगाए चार चांद। आइए सबसे पहले चलते हैं विवान के पास और उनसे जानते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में। तो इस बार हमने कोशिश की है कि हम बाउंड्रीज को और भी पुश करें, कुछ और नया रिफ्रेशिंग दिखाएं। मेरे कैरेक्टर का नाम राजीव है, जो स्वरा भास्कर जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उनका अच्छा दोस्त रहता है। उनका सीजन वन में उनका लव इंटरेस्ट राजीव था अलॉन्ग विद अक्षय ओबरॉय, सो देयर इज अ लव ट्राइंगल। बट इन सीजन टू बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, देर आर सम न्यू फेसेज ऑन द शो एंड बट राजीव इज स्टिल पार्ट ऑफ द शो। वो स्वरा के बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं और कैसे उनका प्रोग्रेशन कैसे हुआ है, उनकी ग्रोथ क्या हुई है शो में, वो सीजन टू में आपको देखने को। इट्स नॉट दैट सिंपल की बात हो और सुमित व्यास से शो के कंटेंट के बारे में ना पूछा जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो आइए जानते हैं सुमित से कि इट्स नॉट दैट सिंपल के सीजन टू की खासियत क्या है। वेरी एक्साइटिंग, रूट का नया वर्जन आ रहा है और बहुत सारे नए नए शोज आ रहे हैं और बड़े अच्छे शोज़ हैं और अलग किस्म का कंटेंट है। इट्स वेरी ब्रेव ऑन वूट्स पार्ट टू बी एबल टू एक्सपेरिमेंट सो मच ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मैंने इट्स नॉट दैट सिंपल का सेकेंड सीजन है उसमें काम किया है, बड़ा अच्छा शो है, बहुत गाढ़ा लिखा है उन्होंने और एक अलग किस्म की अप्रोच है कहानी कहने की, तो आई होप लोगों को पसंद आए। वहीं स्क्रीनिंग पर पहुंचे करणवीर मेहरा, जिन्होंने बताया कि ये सीजन शूट करना उनके लिए कितना एक्साइटिंग था। यही कहना चाहेंगे कि आने वाला है, बहुत मज़ा आया शूट करके एंड यू नो दिस टाइम इट्स बिगर और द लेंथ इज आल्सो बिगर, एपिसोड्स भी ज़्यादा हैं एंड स्टोरी भी ज़्यादा खुल गई एंड देयर लॉट मोर कैरेक्टर्स दैट हैव कम इन एंड मेड इट मच मोर एंटरटेनिंग। तो वेट कर रहा हूँ जल्दी से आ जाए और आप सबको दिखे एंड वी बड़ी एंजॉयज इट। आइए अब पूरब कोहली से भी उनके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं और वो कितने एक्साइटेड हैं इस सीजन के लिए ये भी जान लेते हैं। आप देखोगे अभी शो में नया एक शो आ रहा है बूट पर, इट्स नॉट दैट सिंपल सेकंड सीजन है, नया शो नहीं है। स्वरा भास्कर इज द मेन लीड ऑफ द शो और दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू कैरेक्टर्स, सो आई एम वन ऑफ द कैरेक्टर्स। मेरा कैरेक्टर का नाम है अंगद, इज एन इंटरेस्टिंग गाय, बहुत अलग लगता है, ऐसे नहीं लगता है वो आप ट्रेलर में देख लेंगे। मैं भी खुद देखना चाहता हूँ कि कैसे निकल आया है ट्रेलर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द गुड फैमिली टुडे। E24 के रिपोर्टर दीपक पांडे ने सुमित व्यास और स्वरा भास्कर से भी की खास बात। हमारे साथ है बोल्ड एंड राउडी स्वरा भास्कर और मोस्ट चार्मिंग सुमित व्यास। आइए बात करते हैं किस तरह का सीजन टू इस बार होने वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। इस बारी सीजन टू में क्या नया होने वाला है? इस बारी इट्स नॉट दैट सिंपल सीजन टू में सबसे नई और कमाल की बात है सुमित व्यास, सो यही बताएंगे आपको। मैं नीच इंसान की भूमिका निभा रहा हूँ, नीचता की पराकाष्ठा छू रहा हूँ मैं इस सीजन में, ये नया हो रहा है, ये झूठ है। आपने ये दूसरा सीजन है और ये वेब सीरीज का एक ट्रेंड चल रहा है, तो इस बार कुछ क्या मतलब ऐसा आप क्या लगता है कि मैम ये ट्रेंड जो है ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है कुछ ज़्यादा ही, आई मीन बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्स आई मीन ट्रेंड पे आ चुके हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो डिजिटल स्पेस है वो भविष्य है, क्योंकि जिस रेट पे टेक्नोलॉजी बदल रहा है, जिस रेट पे तकनीकी नए नए आविष्कार टाइप के हो रहे हैं, नए नए माध्यम खुल रहे हैं, अलग अलग ऐप्स या ये वो, आई थिंक ये कॉन्टेंट कीप अप नहीं कर पा रहा है उस स्पेस से, सो आई थिंक दैट डिजिटल जो स्पेस है वो फ्यूचर है और मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, मतलब हम एक्टर्स के लिए हमें नए कहानियाँ मिल रही हैं, नए किरदार मिल रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, तो आई तो होप कि ये कम ना हो, आई होप ये और बढ़े। सुमित, आप वैसे ही वेब सीरीज से शुरुआत हुई आपकी और अभी हाल ही में वीरे द वेडिंग, तो ये दोबारा वेब सीरीज में एंट्री, तो ये कैसा एक नया रिएक्शन? बहुत अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी अलग किस्म की राइटिंग है इस वेब सीरीज़ में और जिसको कह सकते हैं एक मच्योर राइटिंग है, मच्योर टेक है रिलेशनशिप्स के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। ये दानिश असलम के साथ मैंने पहली बार काम किया, हमारे डायरेक्टर, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत सटीक काम करते हैं वो। फिल्मों के साथ साथ ये वेब सीरीज़ जो चल रही है मैम, काफ़ी आप ट्रोल भी हो जाती हैं कई बार,
अभी हाल ही में ट्रबल हुई हैं, तो मैम इस पर मतलब आप पॉजिटिविटी लेती हैं या कि सब नेगेटिविटी पे जाती हैं? नहीं मतलब अभी गालियों को कैसे पॉजिटिवली हम लें, बट नहीं आई थिंक दैट ट्रोलिंग और कॉन्ट्रोवर्सीज एक यू नो आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ पे आप आपके फ़ोन के थ्रू आप एक टैग के थ्रू मतलब प्रधानमंत्री तक पहुँच सकते हैं या अमेरिका के राष्ट्रपति को आप टैग कर सकते हैं, सो आई थिंक कि ऐसे दौर में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उस पावर को उस आविष्कार को अब्यूज़ करेंगे, तो अभी उन गंदे और घटिया लोग तो हर जगह मिलेंगे, तो उनका क्या कर सकते हैं हम, सो आई थिंक इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड एंड मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वेब सीरीज के साथ कोई फिल्म भी आप लोग दोनों कर रहे हैं? हाँ हम लोग कर रहे हैं फिल्म एक फिल्म कर रहे हैं साथ में जिसका टाइटल है आपके कमरे में कोई रहता है, एक नए डायरेक्टर ने उसे बनाया है गौरव सिन्हा, सो हमने अभी जस्ट उसका शूट खत्म किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। कैमरा इम्तियाज के साथ दीपक पांडे, E24 मुंबई।